गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ह्यूमन बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग अबाउट द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. बच्चों, हम अपनी प्रीवियस क्लास में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव के शरीर के ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणालियों के बारे में पढ़ रहे थे. ओके और बच्चों, हमने इस चैप्टर में टू टॉपिक्स अपना कंप्लीट भी कर लिया था. फर्स्ट था बच्चों स्केलेटल सिस्टम, सेकंड इज मस्कुलर सिस्टम. ओके टुडे वी विल रीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 108. वी ईट फूड सच एज ब्रेड, मीट एंड वेजिटेबल्स टू स्टे अलाइव एंड बी एक्टिव. बच्चों, हम एक्टिव रहने के लिए और जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे कि मीट, ब्रेड, मिल्क, एग, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ओके हाउ एवर आर बॉडी कैन नॉट एब्सॉर्ब द फूड इन द फॉर्म ऑफ दैट इट इज कंज्यूम्ड. बच्चों, लेकिन जिस फॉर्म में हम भोजन लेते हैं उस फॉर्म में हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस फॉर्म में उसे कंज्यूम नहीं कर सकता. ठीक है? फूड एंड ड्रिंक नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. तो इसलिए बच्चों, भोजन और पानी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह हमारे ब्लड यानी कि खून में एब्जॉर्ब हो सके और हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में पहुंच सके. क्लियर? नाउ टर्न योर पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 109. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड डाइजेशन. भोजन को छोटे छोटे भाग में तोड़ने की इस प्रक्रिया को ही हम डाइजेशन कहते हैं. क्लियर? द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू डू दिस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. और बच्चों, वह अंग हमारे शरीर के वे अंग जो इस प्रोसेस यानी कि इस क्रिया में भाग लेते हैं या इस क्रिया को करने में हमारी सहायता करते हैं, वे डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं. क्लियर? द टेथ, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. बच्चों, हमारे शरीर के ये सभी अंग मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं. कौन कौन से अंग? टेथ, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस ब्रेथ मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बच्चों, हमारे शरीर का वह भाग जो हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. क्लियर? ऑल सेल्स इन द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन. हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. ठीक है? वी ब्रेथ इन एयर विच कंटेन ऑक्सीजन थ्रू द नोज. बच्चों, हम एयर में सांस लेते हैं, एयर यानी कि वायु, जिसमें बच्चों ऑक्सीजन उपस्थित रहता है. ठीक है? और बच्चों, ये एयर हम ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में नोज यानी कि नाक के थ्रू जाता है. ठीक है? This oxygen is taken to all the parts of the body by the blood. और बच्चों, यही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है. The vital part of the respiratory system are nose, windpipe, lungs and diaphragm. Vital का means होता है महत्वपूर्ण. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण अंगों के नाम हैं नोज, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम. ओके, नाउ व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम क्या है? द डायफ्राम इज अ लेयर ऑफ मसल्स बिलो द
की एक परत है. ओके, लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने में लंग्स हमारी सहायता करते हैं. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क. स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 112. ओके, फाइंड दीज बॉडी पार्ट्स इन द ग्रिड. यू नीड टू लुक अक्रॉस डाउन एंड डायगोनली. इस बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिए हैं जैसे कि हार्ट, नेक, ब्लड, नोज, लंग्स, बोन्स, ब्रेन, मसल्स, माउथ, स्टमक एंड ब्लैडर.